हेलो क्लास टेंथ। चलिए तो हमारा जो स्टैटिस्टिक का पोर्शन था वो समाप्त हो गया था और हमने आपको ओग्यू लेस देन ग्रेटर देन दोनों बता दिए थे, कंप्लीट भी कर लिया होगा आपने। आपसे कहा था कि उसको लगा लीजिएगा। कुछ लोगों के क्वेश्चन है, सर वो जो ग्राफ है उसको क्या करें? तो बेटा जो ग्राफ बनेगा उसको आप पेस्ट करेंगे कॉपी पे, ग्राफ को बना करके कॉपी में पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ, कुछ लोगों की क्वेश्चनिंग आ रही थी तो उसका आंसर आपको मैंने बता दिया कि ग्राफ को क्या कर देंगे सर, पेस्ट कर देंगे। और किसी व्यक्ति ने कोई सवाल तो आज मुझसे पूछा नहीं, अगर पूछा हो तो उसको बता देते हैं। कहा था अगर पूछेंगे तो हम बता करके आगे चलेंगे, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक मेरे पास, इसलिए हम लोग आगे की तरफ पढ़ने जा रहे हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी एपी की स्टार्टिंग होगी। एपी एपी से आप परिचित हैं, इसको बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं सीरीज क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। जैसे कुछ नंबर हमने ऐसे लिख दिए, जैसे लिखा 2, 4, 6, 8, ऐसे ही नंबर लिखे। फिर एक ऐसे लिख दिया 1+1+2+3+5+8, ऐसे करके। ये जो लिखा हुआ ये सीरीज है आपकी, एक तरह से ये क्या है, एक सीरीज है। अब इस सीरीज में कौन सी सीरीज एपी है कौन सी सीरीज एपी नहीं है इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं एपी के बारे में। तो जैसे सबसे पहले तो जाने कोई भी अगर सीरीज है तो इसके इस टर्म को बोलते हैं फर्स्ट टर्म T1, इसके इस टर्म को बोलते हैं सेकेंड टर्म T2, इस टर्म को बोलते हैं थर्ड टर्म T3, इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म T4। कभी कभी ये T1 ना लिख करके A1 स्मॉल A1 A2 भी चलाएंगे वो, तो परेशान ना होना। चाहे नोटेशन T1 T2 T3 डॉट डॉट TN चलाएं या A1 A2 A3 चलाएं, मतलब वही रिप्रेजेंटेशन से है। कोई भी रिप्रेजेंटेशन एक पकड़ ली, चाहे आप ये चलिए चाहे ये चलिए, दोनों आपको आनी चाहिए, दोनों आपको पता होना चाहिए। आपकी किताब में शायद ये यूज किया जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फर्स्ट टर्म कहलाता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ऐसे इस सीरीज का ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। टर्म के नाम हो गए सबके, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए एपी क्या कहती है, एपी की कंडीशन क्या है और एपी के मार्क कर रहे हैं। अगर कोई सीरीज एक क्रम में बढ़े, एक किसी निश्चित आइडेंटिफाइड वैल्यू को लेकर के बढ़े या घटे तो वो सीरीज एपी होती है। जैसे देखिए इस सीरीज में दो जोड़ा तो आगे वाला टर्म मिला, फिर दो जोड़ा तो फिर आगे वाला मिला, फिर दो जोड़ा तो फिर आगे वाला मिला। मतलब इसमें आप क्या कर रहे हो, हर एक में दो जोड़ते चले जा रहे हो, तो ये आगे की सीरीज मिलती जा रही है। तो इसमें कॉन्स्टेंट टर्म जुड़ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें कुछ नहीं जुड़ा, जीरो जुड़ा, इसमें एक जुड़ा, फिर इसमें कितना जुड़ा, फिर दो, यहाँ कितना हो गया, यहाँ दो, फिर यहाँ कितना हो गया, यहाँ तो और ज्यादा 3 हो गया। कुछ कोई पैटर्न ही नहीं है, कैसे जोड़ रहे हैं लोग। जब हम सीरीज में कोई एक निश्चित क्वांटिटी ऐड करते चले जाएं या सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं तो जो सीरीज मिलती है वो सीरीज एपी कहलाती है। अब जैसे एपी को पहचाने कैसे, कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे सर एपी है, इफ कंडीशन सुनिएगा, इफ T2 - T1 और T3 - T2 और T4 - T3 अगर ये सारी वैल्यूज कैसी आ जाए, बराबर आ रही है, तो वो सीरीज एपी होगी। देखिए यहाँ पे T2 - T1 2, T3 - T2 2, T4 - T3 2, सब बराबर वैल्यू आई है, यानी ये सीरीज कैसी है, ये एपी है। ये सीरीज कैसी है, एपी है। मगर ये सीरीज एपी नहीं है, ये माइनस ए किया 0 आया, ये माइनस ए किया 1 आया, बराबर नहीं है, ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, नॉट एपी। तो कब एपी होगी, जब कंडीशन बताई गई, जब ए टी टू में से T1 को घटाएं, T3 में से T2 को घटाएं, T4 में से T3 को घटाएं, T5 में से T4 को घटाएं, मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएं, वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अब सर हो सकता है कि आपको A1 A2 चला दें तो ऐसे लिखा मिल जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना बेटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैं आपको यहां समझाया कि दोनों नोटेशन आपके चलेंगे, चाहे टी यूज करो चाहे ए यूज करो, है ना। हाँ, तो इसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा मत करना कि सर आपने तो ये पढ़ाया था और किताब में तो ये लिखा है, कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसा भी लिखे तो भी बात सही है, तो भी एपी हो। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दिस गिवन सीरीज इज एपी, हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन सीरीज इज एपी, पहचान लेंगे। हाँ सर पहचान लेंगे, अगर हम T2 में से T1 को घटाएं और T3 में से T2 को घटाएं, T3 में से T2 को घटाएं, T4 में से T3 को घटाएं, T5 में से T4 को घटाएं, T6 में से T5 को घटाएं, वैल्यू कैसी आए, बराबर आए, सीरीज एपी कहलाएगी। आइए जरा कुछ सीरीज एपी चेक करके देखते हैं एपी है या नहीं है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक लिख दी 3, 8, 13, 18 एंड डॉट डॉट, अगर चेक करिए एपी है कि नहीं है। हाँ चेक करते हैं, T2 - T1 निकालने गए, 8 में से 3 को घटाया कितना आया 5, T3 में से T2 को निकाला,
कितनी वैल्यू आई, 13 में से 8 गए 5, T4 में से T3 को निकाला 18, फिर से 13 गए फिर 5, यानी तीनों बार बराबर वैल्यू आई। क्या देख रहे हैं, सिंस T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 बराबर है T4 माइनस T3 के, T4 माइनस T3 के सब बराबर आए हैं सर, आए ना, हेंस सीरीज इज एपी। सीरीज कैसी होगी, एपी होगी। पहचानने का तरीका समझ में आ गया, पहचानने का तरीका समझ में आ गया कि नहीं, अब पहचान लोगे ना कि एपी है। हाँ सर आप पहचान लेंगे, अगर आपको पहचानना आ गया तो एक और चीज सारी जान लीजिए, जो T1 होता है ना, जो ये T1 होता है, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, और इसका स्पेशल नाम होता है ए। T1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसका क्या नाम होता है ए। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्मॉल ए बोलेंगे। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्मॉल ए। और दूसरा इसमें एक बड़ा आता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। और कैसे वैल्यू निकलती है, चाहे T2 में से T1 को घटा दूं, या फिर चाहे T3 में से T2 को घटा दूं, चाहे T4 में से T3 को घटा दूं, किसी भी से, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से वही जो डिफरेंस आ रहा है वही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो दो वर्ड आपको बताए गए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर आपको मैं एपी देंगे तो आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता करने की आदत बना लीजिए। जरा देखिए ध्यान से, 2, 5, 8 इस सीरीज का फर्स्ट टर्म कौन है, 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, T2 माइनस T1 तुरंत किया, 5 में से 2 को घटाया, कितनी वैल्यू आ गई, 3। ये फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। तो आप किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। ओके थैंक यू, इसको नोट कर लिया होगा। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। एपी को आइडेंटिफाइड करना हमने आपको सिखा दिया, आप कैसे एपी को आइडेंटिफाइड करेंगे आपको हमने सिखा दिया, ठीक है। हाँ सर ठीक है, अब जरा सुनिए, हमने कहा क्रिएट एन एपी, एपी हूज whose first term is small a and common difference is d। हमसे एपी बनाने कह रहे हैं, हमने कहा फर्स्ट टर्म क्या है हमारा स्मॉल ए। अब देखो ये चीज कैसे एपी बनाते हैं, पहले फर्स्ट टर्म लिख लीजिए, जो कॉमन डिफरेंस में इसमें ऐड कर दीजिए, क्या आया अगला a प्लस डी, अब फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए और अगला आ जाएगा, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए और अगला आ जाएगा, इस तरह से एपी बनती चली जाती है। ये पी का कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये पी का कौन सा टर्म है सेकंड, ये पी का कौन टर्म है थर्ड, ये कौन है फोर्थ, ऐसे में आप एक पी एन टर्म दिखने जा रहे हैं, ध्यान देना जरा। ये फर्स्ट टर्म है, हाँ इसमें ए है, सेकंड में भी ए है, थर्ड में भी ए है, फोर्थ में भी ए है, तो एन एच में भी ए होगा, सब में प्लस लगा है, देखो उसमें भी प्लस लगा दिया हमने, इसलिए इसमें कहाँ लगा, इसमें प्लस जीरो लिखा, ध्यान दो प्लस लगा के जीरो लिख सकते हैं, तो सब में प्लस लगा था उसमें भी हमने प्लस लगा दिया, ध्यान देना इसमें। ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में कितनी बार डी जोड़ा है, एक बार, थर्ड टर्म में 2 बार, फोर्थ टर्म में 3 बार, मतलब समझना 2 से 1 कम, 3 से 1 कम, 4 से 1 कम बार डी जोड़ रहे हैं, यहां एन लिखा है, एन से 1 कम बार डी जोड़ेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × d। ये आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × d। एन क्यों, क्योंकि टी एन का नाम ही तो एन है, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे बात एक ही है, दोनों बातें मिलेगी, इसलिए लेके चल रहे हैं। ये जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ द एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी। ये एपी का कैसा टर्म है, जनरल, जब इसमें एन की वैल्यू 1 रखोगे ये मिल जाएगा, रख के देखो, एन की वैल्यू 1 रखो तो ए आएगा, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, ए आ गया, 2 रखोगे ये मिल जाएगा, 3 रखोगे ये मिलेगा, 4 रखोगे ये मिलेगा, एन रखोगे ये मिलेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, जनरल टर्म ऑफ द एपी। कब यूज करेंगे सर हम इसका, यूज और प्रयोग कब करेंगे, जब सीरीज में आप इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन सुनाए, जैसे लिखा हो 7th, कहीं लिखा हो 9th, कहीं लिखा हो 12th, है ना, इस तरह के जब वर्ड आपको दिखाई देंगे, 24th, ये टर्म ऐसे लिखा, जब ये चीज दिखाई दे आपको सवाल में TH, तो आप समझ लेना आपको इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। कब यूज करना है, जब आपको TH टर्म का प्रोनाउंसिएशन सवाल में दिखाई दे जाए तो आप जान लीजिएगा कि आपको NH टर्म का फॉर्मूला लगाना है, यानी TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 × d। ये किसका फॉर्मूला है, TN का। अब इसी से कई फॉर्मूले बनाते हैं हम लोग, हम कहें T10 का फॉर्मूला बनाइए, किसका बनाइए, T10 का, तो जहां N लिखा वहां 10 लिख दीजिए, A प्लस
10 माइनस 1 इंटू बी, हमने कहा टी 25 का फॉर्मूला बनाइए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस 25 माइनस 1 इंटू बी। हमने कहा टी आर का फॉर्मूला बनाइए, क्या बनेगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू बी। हमने कहा टी एम का फॉर्मूला बनाइए, टी एम बराबर क्या आएगा, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू बी। तो मतलब जब भी आपको कोई वैल्यू बनाने को कही जाएगी तो आपको इनके प्लेस पे वो वैल्यू रख देनी, इस फॉर्मूले में फटाक से उसका फॉर्मूला तैयार हो जाएगी। टी टेन का फॉर्मूला, हमने कहा टी इलेवन का फॉर्मूला, तो तुरंत आपके दिमाग ए प्लस इलेवन माइनस वन इंटू डी। हमने कहा टी नाइनटीन का फॉर्मूला, ए प्लस नाइनटीन माइनस वन इंटू डी, बस याद हो जाएगा ना। तो ए पी कैसे बनाते हैं और उसका एनर्जी टर्म क्या होता है आपको समझाया गया है। इतनी कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आइए सर एक और चीज में जान लेते हैं, हमने एक चीज बताई समझाई, हमने कहा लेट एनएच टर्म टी एन इज द लास्ट टर्म, एल इज लास्ट टर्म, एल टी एन इज द लास्ट टर्म, ब्रैकेट में लिख दिया एल ऑफ एन ए पी, टी एन इज द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी, लास्ट टर्म का नाम एल दिया है। तो हमने क्या बोला, टी एन जो है सीरीज का लास्ट टर्म है, हमने लिख दिया। टी एन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला और बन के तैयार हो गया। क्या फॉर्मूला सीधा करके लिखा जाए तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अरे एक और बना दे सर, उसी तरह से मिलता जुलता। हाँ, इसका यूज कब करेंगे सर, जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे टू फाइंड, कब यूज करेंगे इसका, टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म, जब हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो तो इसका प्रयोग करेंगे। या फिर सवाल में लिखा होगा विच टर्म, जैसे सवाल में लिखा हो विच टर्म, हाउ मेनी टर्म, जब ये सवाल ये सब ये चीजें सुनाई गई तो आप समझ लेना आपको ये फॉर्मूले का प्रयोग करना है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इज इट कन्फर्म एंड क्लियर, उम्मीद है विश्वास है आपको क्लियर हो गया होगा ना। हाँ सर, अब एक और चीज सुनिए, एक और चीज सुनिए, हमने आपको बता दिया ए पी कैसे बनाएंगे कैसे पहचानेंगे। हमने कहा क्रिएट एन ए पी हूज फर्स्ट टर्म इज टू, क्रिएट एन ए पी हूज फर्स्ट टर्म इज टू, यानी ए दे दिया एंड कॉमन डिफरेंस इज फाइव, क्या बनेगी, पहले दो लिख लेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया तो क्या आ गया सात, फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया तो बारह, फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया तो सत्रह, फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया तो बाईस, सीरीज बन के तैयार हो गई। अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप सीरीज बना सकते हैं, अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप सीरीज बना सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन समझ में आया, हमने क्वेश्चन बोला क्रिएट एन ए पी हूज फर्स्ट टर्म इज टू एंड कॉमन डिफरेंस इज फाइव, ऊपर लिख लेना create an AP whose first term is 2 and common difference is 5, then this is the solution, okay? हाँ सर, ये छोटे छोटे examples आपको समझाए जा रहे हैं ताकि आप समझ जाएं कि AP कैसे बनाते हैं। अब जरा सुनो ध्यान से, AP के बारे में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे आपसे कहा जाए कोई तीन नंबर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर इन AP, हमने कहा ये तीन नंबर AP में हैं, अगर ये तीन नंबर AP में हैं तो बीच वाले का डबल किनारे का सम होता है, कैसे आया जरा निकाल के दिखाते हैं आपको, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, कैसे आ रहा है वो समझाने जा रहा है। अगर ये तीनों नंबर एपी में भी डेफिनेशन फॉलो करेंगे टी टू माइनस टी वन बराबर टी थ्री माइनस टी टू, अगर एपी है तो ये डेफिनेशन फॉलो होती है कि नहीं बताओ, अगर एपी है तो टी टू माइनस टी वन और टी थ्री माइनस टी टू आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे सर, यहाँ देखो टी टू कौन है बी, टी वन कौन है ए, टी थ्री कौन है सी और टी टू कौन है बी, इस बी को उठा लो इधर तो टू बी बराबर कितना आ गया ए प्लस सी नहीं आ गया, एक हमने लिखा है कि अगर कोई तीन नंबर एपी में है तो बीच वाले का डबल किनारे का जोड़, बीच वाले का डबल किनारे का जोड़, जोड़ मतलब एडिशन। तो निकला कैसे वो रास्ता ये है, निकला कैसे रास्ता ये है, लेकिन आपको याद ये रखना है कि अगर कोई तीन नंबर एपी में होंगे तो बीच वाले का डबल किनारे के जोड़ के बराबर होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे मिलेंगे फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ दिस, क्लियर। हाँ सर ओके हो गया, हाँ सर ओके हो गया। अब आइए सर एक और चीज सुनते हैं, एक और चीज सुनते हैं, क्रिएट एन एपी व्हेन एनएच टर्म इज गिवन, व्हेन nth term is given then create an AP, AP बनाना। अगर आपको nth term दे दे तो AP कैसे बनाएंगे ये समझने जा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि if nth term is 5n plus 2 then create an AP, create द सीरीज, एपी नहीं बोला सीरीज बोल दिए, सीरीज बनाइए, कोई दिक्कत नहीं भाई। सीरीज कैसे बनती है, सीरीज इन लोगों से बनती है, आपके पास टी वन हो, आपके पास टी टू हो, आपके पास टी थ्री हो, आपके पास टी फोर हो, रख देना सीरीज बन जाएगी। अब वो सीरीज चाहे एपी हो चाहे जीपी हो सब बन जाएगी, लेकिन बनने का तरीका ये है,
तो सुनिए आपको क्या चाहिए, आपको टी वन चाहिए, आपको टी टू चाहिए, आपको टी थ्री चाहिए, तो जरा देखिए ध्यान से, एंडर चैप्टर का मतलब टी एन कितना दिया है, फाइव एन प्लस टू दिया है, इसमें कुछ नहीं करना है, पुट करना है, एन इज इक्वल टू कितना, एक दो तीन चार एंड डॉट डॉट, रखो जरा इसमें एक, जब एक रखोगे तो टी वन आएगा कि नहीं आएगा, पांच गुणे एक प्लस दो बराबर कितने के सात के, टी टू देखो पांच गुणे दो प्लस दो बराबर कितने के, पांच गुणे दस दो बारह के, टी थ्री कितना आएगा, पांच गुणे तीन प्लस एक दो बराबर कितने के सत्रह के, टी फोर कितना आएगा, पांच गुणे चार प्लस दो बराबर बाईस के, एंड डॉट बीच में ऐसे लाइनें डाल दीजिए। देखिए भैया टी वन की वैल्यू कितनी आई, सेवन ग्यारह बताओ, टी टू कितना है, बारह सत्रह बाईस बन गई सीरीज। अगर आपको एन एच टर्म दिया होगा तो सीरीज बनाना कितना आसान है, आपको कुछ नहीं करना, उस एन एच टर्म में एक दो तीन चार पांच रखते जाइए और सीरीज आपकी तैयार हो जाएगी। अब कभी कभी एन एच टर्म देखिए कोई पर्टिकुलर टर्म पूछ लेते हैं, अगर चंद्र का टी एन इज दिस तो कहेंगे फाइंड या क्रिएट ना करके देन कह देते फाइंड, देन फाइंड हंड्रेड टर्म, कौन सा टर्म निकाली हंड्रेड, यानी आपसे क्या पूछ रहे हैं, टी हंड्रेड पूछ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना था, इसे पुट कर देना था, इनके प्लेस पे कितना n = 100 पुट कर देते इसमें, जब इनकी जगह 100 पुट करेंगे तो t 100 कितना आ जाएगा, 5 * 100 + 2 बराबर 500 + 2 बराबर 502, ऐसे करेंगे। आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया होगा, यानी आपको अगर nth टर्म दिया गया तो सीरीज कैसे बनाएंगे, और अगर nth टर्म दिया हो कोई पर्टिकुलर टर्म पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे, समझाया गया इस चीज में, नोट करिए जल्दी फटाफट, पहले पूरे एटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में रख दे रहे हैं, उसके बाद हम सवाल उठाएंगे, है ना, हाँ, और ये एपी के जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से कराए जाएंगे, एनसीईआरटी की बुक रखिएगा अपने पास, पहले एनसीईआरटी से पूरा करवा देंगे, फिर उसके बाद समय मिलेगा तो फिर बाद में देखा जाएगा, क्योंकि आपके पेपर हाफ ईयरली लगे हुए हैं, इसलिए पहले कोर्स को कंप्लीट करना जरूरत है, प्राथमिकता कोर्स की कंप्लीट होने की है, कोर्स को कंप्लीट कर लिया जाए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर समय बचेगा तो रिवीजन की तरह से देख लेंगे लोग, है ना, हाँ। आइए सर, सवालों की तरह सिलसिला बढ़ाया जाता है, सवालों की तरह सिलसिला बढ़ाया जाए, धीरे धीरे क्वेश्चन देखे जाए और उसको आपको समझाने का प्रयास किया जाए, थोड़ा सा समझिएगा, प्रयत्न करिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ना, हाँ। आइए सर, हम पहले एक्सरसाइज लेते हैं 5.1 आपकी किताब से उठा लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, 5.1 एक्सरसाइज लेकिन क्वेश्चन नंबर एक पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिमिट लिस्ट द नंबर्स इन्वॉल्व टू मेक इन्वॉल्व मेक एंड एपी प्रोग्रेशन एंड वाई, वो पूछ रहे हैं कि कुछ कंडीशन दे रहे हैं, उस कंडीशन के बाद कुछ जो बनेगी उस सीरीज करें एपी होगी या नहीं होगी, आप बताइए हमको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, किस फॉलोइंग सिचुएशन में नंबर एपी बना रहे हैं ये देखना है, कौन सी एपी बना रही कौन सी एपी नहीं बना रही आपको ये देखना भैया, देखो पहला क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर When the fare, देखो क्या लिखा, taxi fare after each kilometer, when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer. मतलब हमने कहा टैक्सी का किराया क्या है, डिसाइड कर रखा कि आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपए पड़ेंगे, उसके आगे जाओगे तो आपको 8 रुपए और पड़ेंगे, उसके और आगे जाओगे फिर 8 रुपए और पड़ेंगे, तो मतलब देखिए आपको पहली बार कितने रुपए देने हैं, 15, फिर और आगे जब जाओगे तो 15 और देने हैं, 8 और देने हैं, आठ और देने हैं, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद का टैक्सी का फेयर बताना है, तो पहले किलो अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको कितने रुपए देने होंगे, 15, अगर 2 किलोमीटर जाओगे तो 15 प्लस 8 तो कितने देने होंगे, आप 23 देने होंगे, और फिर जब उसके बाद जाओगे तो फिर 8 और देने पड़ेंगे, 31, इस तरह से आप जाने तो बताइए एपी है या नहीं है, सर एपी T2 minus T1, T3 minus T2 बराबर है, तो this is an AP, ये AP है सर, यही पूछ रहे हैं, in which situation, यानी in this situation, this is an AP, ये AP है, इसका second question लिखा है, the amount of air present in the cylinder when the vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at the time, इसके बारे में पूछ रहे हैं, the amount of the air present in the cylinder, ठीक है, when the vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, क्या कर रहे हैं भैया, एक सिलेंडर में कुछ एयर भरी हुई है, आप उसमें क्या लगा रहे हो, वैक्यूम पंप लगाते हो, लगाने से क्या होता है, 1/4 एयर, क्या लिखा है, रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, सिलेंडर में जितनी एयर होती है उसका 1/4 बाहर निकाल देती है, तो मान लीजिए आपके पास शुरुआत में कितनी एयर 100 है, मान लेते हैं, अमेजिंग करना
आपने वैक्यूम पंप लगाया, ये 1/4 निकाल दी, 25 एयर बाहर निकाल दी, अब उसके अंदर कितनी बची, 75। अब दोबारा जब वैक्यूम लगाए तो 75 का 1/4 निकालेगा, यानी हर बार 25 नहीं निकालेगा, 75 का 1/4 कुछ कम होगा, तो ये जो सीरीज बनेगी वो एपी नहीं बना पाएगा, है ना। इस तरह से क्वेश्चन को आपको चेक करना है कि कब एपी बनेगी कब एपी नहीं बनेगी। ये दो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं, इनको देखिएगा। अब दूसरे क्वेश्चन लिखा है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी, एपी के फर्स्ट फोर टर्म दिए, जबकि आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दे रहे हैं, ए बराबर 10 और डी बराबर 10, तो करें इसके फोर टर्म लिख दीजिए, फर्स्ट फोर टर्म, फर्स्ट फोर टर्म का मतलब T1, T2, T3, T4, आए सर, फर्स्ट टर्म कौन है 10, इसमें अगर हम कितना जोड़ दें, कॉमन डिफरेंस जोड़ दें, 10 को जोड़ दें तो हमको अगला मिल जाएगा, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दें तो हमको और अगला मिल जाएगा, फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ दें हमको और अगला मिल जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट फोर टर्म कितने हो गए, ये नहीं हो गए, तो फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी आर, अब सीधे सीधे आप ऐसे लिख दीजिए, द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी, ये लिख के तैयार हो गया पहला पार्ट, दूसरे का पहला पार्ट। एक और दिखा दें, एक और दिखा दीजिए सर, इसका चौथा दिखा दीजिए, करें ए इक्वल टू कितना है -1 और डी इक्वल टू कितना है 1/2, करें बनाइए एपी, तो पहले फर्स्ट टर्म लिख लिया, हाँ लिख लिया, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़िए, जब 1 में 1/2 जोड़ोगे तो माइनस का 1/2 आएगा, फिर 1/2 जोड़ोगे तो 0 आएगा, फिर 1/2 जोड़ोगे तो 1/2 आएगा, डॉट डॉट, ये देखिए फर्स्ट फोर टर्म तैयार हो गया। अभी भी समझ में आए, चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे पांचवा लिखा है, करें ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू लिखा -1.25 और डी इक्वल टू कितना है, डी इक्वल टू है माइनस का 0.25, अच्छी बात है। आइए सर, फर्स्ट टर्म क्या होगा, -1.25, अब इसमें डी क्या हो रहा है, घट रहा है, माइनस लगा तो घटाना है, इसमें जब इतना घटाएंगे तो माइनस का 1.50 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो माइनस का 1.75 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो 2.00 हो जाएगा, ये देखिए फर्स्ट फोर टर्म आ गए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप सवालों को लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन की बात हो गई, अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, क्या लिखा है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, सवाल नोट कर लिया होगा, दूसरे के तीन पार्ट हमने बताए, बाकी के दो पार्ट आप खुद करेंगे स्वयं, डू योर सेल्फ में डाल लीजिएगा पहली एक्सरसाइज के। तीसरा क्वेश्चन क्या आपको एपी दे रहे हैं, एपी दे रहे 3 1, फिर -1, फिर -3, एक क्वेश्चन ये हो गया, फिर दूसरा हमारे सामने एक और लिख लेते हैं, -5, -1, 3, फिर 7 एंड डॉट डॉट, फिर एक और लिख लिया 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3, फिर एक और लिख लिया 0.6, 1.7, 1.7, 2.8, 3.9, क्या चाहिए इसमें, इसमें हर एक सीरीज का, जो सीरीज आपके सामने लिखी है इसका फर्स्ट टर्म क्या हो, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, ये पता करना है। आइए सर, फर्स्ट टर्म ए, ए इक्वल टू फाइव, है डी कैसे निकालते हैं, टी टू माइनस टी वन, व्हाट इज टी टू, 1, और T1 क्या है -3, कैलकुलेट करो मिल गया, ये देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में आइए, इसका फर्स्ट टर्म कौन है, -5, अब क्या निकालना है, डी का मतलब होता है T2 - T1, सीधे फॉर्मूला याद करिए, T2 - T1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2 -1, बीच में माइनस होता है ये वाला, और T1 की वैल्यू कितनी, वो भी -5 है, जरा कैलकुलेट करना, -1 + 5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस इसको क्या बना गया, प्लस बना गया, बस यही समझना है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 4 आएगा, चेक कर लो। इसमें आइए, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1/3 होगा, और डी कैसे निकलेगा, T2 - T1 से निकलेगा, T2 कितना 5/3, T1 कितना 1/3, आंसर कितना आएगा 4/3, एलसीएम सेम आया, 5 में से 4 एक चला गया, 4/3 देके। इसमें आइए, फर्स्ट टर्म कौन होगा, 0.6, डी कैसे निकलता है T2 - T1 से, व्हाट इज T2 1.7, व्हाट इज T1 0.6, कैलकुलेशन 1.1 आंसर हो गया। चारों पार्ट लगा दिए, तीसरे का चारों पार्ट आपके सामने रखे हुए हैं, चारों पार्ट आपके सामने रखते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत हो बताइए जल्दी से फटाफट। अब चौथे क्वेश्चन देखिए, कई पार्ट दिए, 10-12 पार्ट उन्होंने दे दिए, और पूछ रहे हैं कौन एपी है कौन एपी नहीं है, बस ये पूछा है कौन एपी है कौन एपी नहीं है, मतलब आइडेंटिफाइड करना है आपको कि विच वन इज एपी एंड विच वन इज नॉट एपी, अगर T2 - T1 और T3 - T2 T4 - T3 सब बराबर आएंगे तो एपी है, और नहीं आएंगे तो नहीं है। आइए सर दिखाते हैं आपको, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 2, 2 कितना लिखा, 2, 4, 8, 2, 4, 8 और 16,
ये लिखा, कह रहे हैं पी है कि नहीं, चेक करते हैं। टी टू माइनस टी वन निकाला कितना आया, चार माइनस दो। टी थ्री माइनस टी टू निकाला कितना आया, आठ माइनस चार, इससे दो आया इससे चार आया, क्या बराबर है वैल्यू ना, यही लिख देंगे। अब फिर आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अगर एक जगह भी गलती हो गई तो फिर खत्म। टी टू माइनस टी वन डज नॉट इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू, हेंस इट इज नॉट एंड एपी, ये एपी नहीं है। अब क्या है, ये विषय नहीं है अभी आपका, ये जब इलेवेंथ में आएंगे तो ये क्या है तब बताया जाएगा, ये कौन सी फिर सीरीज है, अगर एपी नहीं तो क्या है, ये जीपी है, पढ़ाएंगे वहां पे। इलेवेंथ में जब आओगे आप, इलेवेंथ में आपको बताया जाएगा कि ये दूसरी सीरीज कौन है, जीपी है। पहला क्वेश्चन पहला पार्ट बता दिया, चौथे का पांचवे का पहला पार्ट, फिर दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या लिखा है, दो कामा पांच बटे दो कामा तीन बटे सात बटे दो एंड डॉट डॉट। अब जरा चेक करो, टी टू माइनस टी वन निकालो, टी टू क्या है पांच बटे दो माइनस दो, एलसीएम लेकर सॉल्व करो कितना आएगा, दो एलसीएम आया पांच माइनस चार एक बटे दो आगे। टी थ्री माइनस टी टू निकालो, तीन माइनस पांच बटे दो दो, छह माइनस पांच एक बटे दो। टी फोर माइनस टी थ्री निकालो, टी फोर माइनस टी थ्री सेवन बाई टू माइनस थ्री कितनी वैल्यू देगा, दो, सात माइनस छह एक बटे दो। तीनों बार देखो देखो बराबर वैल्यू आई है आपको, हाँ क्या लिखेंगे, सिंस टी टू माइनस टी वन बराबर है टी थ्री माइनस टी टू बराबर है टी फोर माइनस टी थ्री बराबर आए तीनों बार, हाँ सर बराबर, हेंस इट इज एंड एपी, ये क्या है एपी है। आया समझ में, बिल्कुल आराम से आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, आपके पास ढेर सारे पार्ट दिए गए, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना कि एपी है या नहीं है। एक और बता दें, दो और बता देते फिर आप इसको करिएगा, जो ना आए आप हमसे पूछ लीजिएगा सर एपी है या नहीं है, आप हमसे पूछेंगे हम बता देंगे। जैसे लिखा थ्री प्लस थ्री थ्री कॉमा थ्री प्लस रूट टू कॉमा थ्री प्लस टू रूट टू कॉमा थ्री प्लस थ्री रूट टू, कह रहे पूछ रहे एपी है या नहीं है। चलिए सर देखते हैं, टी टू माइनस टी वन, टी टू क्या है थ्री प्लस रूट टू, टी वन क्या माइनस थ्री, कट गया वैल्यू कितनी दे दी रूट टू, वेरी गुड सही है। टी थ्री माइनस टी टू निकालते हैं, चेक करो थ्री प्लस टू रूट टू बीच में माइनस थ्री माइनस रूट टू, ब्रैकेट खोल दिए ब्रैकेट खोलेंगे थ्री प्लस टू रूट टू माइनस थ्री माइनस रूट टू, थ्री से थ्री कटेगा टू रूट टू से रूट घटेगा रूट टू, बराबर वैल्यू आ रही सर, ऐसे इसमें से घटाओ ये भी यही देगा। क्या लिखेंगे थ्री प्लस थ्री रूट टू माइनस थ्री प्लस टू रूट टू, ब्रैकेट खोल दीजिए थ्री प्लस थ्री रूट टू माइनस थ्री माइनस टू रूट टू, ये कट गया और ये घट गया वैल्यू बराबर आ गई ना। क्या लिखेंगे सिंस वही कहानी T2 माइनस T1 बराबर है, T3 माइनस T2 बराबर है, T4 माइनस T3 सब बराबर आया, हेंस की डिजाइन AP लिख देंगे कि नहीं, ये क्या है एक AP है। आया समझ में, नहीं आया आ गया होगा उम्मीद है, ऐसा विश्वास है आपको आ गया होगा। तो इसके बाकी के जो पार्ट है आप उनको करिएगा, जो ना है आप पूछ लीजिएगा, है ना। हाँ तीन हमने बता दिए हैं, बाकी आप प्रयास करिए, कुछ ज्यादा पार्ट दिए हैं, 15 पार्ट दे रखे उन्होंने, उनको करिएगा जो ना है हमसे पूछिएगा। एक और बता देते हैं जरा, एक और नीचे बता देते हैं, जैसे ए ए स्क्वायर ए ए स्क्वायर ए क्यूब, जब भी पावर वाले टर्म होते हैं वो एपी नहीं बनाते, देखना ध्यान से। यहाँ पे क्या है टी टू माइनस टी वन क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस ए, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यही वैल्यू रहेगी, कुछ घटना नहीं है। टी थ्री माइनस टी टू जरा करो, क्या करेंगे ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, क्या लिखेंगे टी टू माइनस टी वन डज नॉट इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू, तो एपी नहीं है, नो एपी। आया समझ में, एक और देख लेते हैं, आंसर देख लीजिए, और जैसे लिखा रूट टू फिर लिखा रूट एट फिर लिखा रूट एटीन फिर लिखा रूट ट्वेंटी थर्टी टू। अब देखो ये बहुत दिमाग से लिख दिया डराने के लिए, अब जरा ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, ये रूट टू लिखा है और ये टू रूट टू है, ये कैसे हो गया, इसको लिख सकते हैं चार गुणे दो, इसको लिख सकते हैं चार गुणे दो, तो टू रूट टू नहीं बन जाएगा। ऐसे देखो क्या लिखा है, थ्री रूट टू लिखा है, अरे बाप रे ये फोर रूट टू लिखा है, बहुत सही। अब टी टू माइनस टी वन देखो, टी टू माइनस टी वन टू रूट टू माइनस रूट टू क्या वैल्यू देगा रूट टू, टी थ्री माइनस टी टू देखो टी थ्री माइनस टी टू देखो थ्री रूट टू माइनस टू रूट टू क्या वैल्यू देगा रूट टू, टी फोर माइनस टी थ्री देखो क्या वैल्यू देगा फोर रूट टू माइनस थ्री रूट टू क्या वैल्यू आ गई, टू बराबर आ गई ना, एन ए पी ए पी है, ए पी है लिख लेना रिजल्ट। तो दो और बता दिए हमने आपको, पांच हमने बता दिए, दस बचे हैं, अब इनको करिएगा प्रयास करिएगा, ना है तो पूछिएगा, हम बिल्कुल आपको बताएंगे, परेशानी वाली कोई विषय नहीं है, है ना। एक और पंद्रहवां नंबर और लिखा, जैसे लिखा एक का स्क्वायर फिर पांच का स्क्वायर फिर क्या लिख दिया सात का स्क्वायर और फिर लिखा तिहत्तर, कोई बात नहीं, एक का स्क्वायर मतलब एक हो गया, पांच का स्क्वायर मतलब पच्चीस हो गया, दो इसका उनचास, इसका मतलब
तिहत्तर। देखो इसमें से इसको घटाओ, 24 आ रहा है, इसमें से इसको घटाओ 24 आ रहा है, इसमें से इसको घटाओ 80 है सर, चेक कर लेना। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 निकाला, हर बार 24 निकलेगा, 80 है सर ये। तो पहली एक्सरसाइज आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहली एक्सरसाइज को फिनिश किया जाता है। पूरे सवाल लगाइएगा, ये एनसीईआरटी से बताया गया है, आप अभी एनसीईआरटी से लगा लीजिए, उसके बाद अपने आपके पास किताब है आरएस, अपने आप से लगाते हैं, हमने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा रहे हैं, सवाल लगाने का प्रयत्न बस रहेगा, थोड़ा सा समय नहीं है, इससे ज्यादा सवालों को नहीं खींच रहे हैं, नहीं फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि सर हमको पूरा नहीं हो पाए मेरा टास्क। चलिए अगला एग्जाम्पल हमारा जो कह रहा है, कह रहा है फाइंड आउट द टेंथ, अब देखो अब सवाल शुरू करने वाला एग्जाम्पल थर्ड से है सर, एग्जाम्पल थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड टेंथ टर्म, कौन सा टर्म, टेंथ टर्म, कौन सा टर्म निकालना है, टेंथ टर्म ऑफ एपी, एपी क्या है 2, 7, 12, तो सबसे पहले एपी है ना, हाँ हाँ एपी है, तो ए बराबर कितना हो गया 2, डी बराबर कितना हो गया 7 माइनस 2 यानी 5, और कौन सा टर्म निकालना है टेंथ, ये क्या फॉर्म लिखा है थ, टी एन का फॉर्मूला लगेगा टेंथ क्वेश्चन मार्क, टी एन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और आपको कौन सा टर्म निकालना है टेंथ, तो टी टेन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, नहीं दिख रहा है थोड़ा मार्कर गड़बड़ कर रहा है, उसको बदल लेते हैं, बदलने का प्रयास करते हैं, ढूंढ नहीं मिल जाए, मिल गया बदल लिए। चलिए ए की वैल्यू बताओ कितनी है 2 है, ये तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, ये कितना होगा 9, डी की वैल्यू कितनी 5, 2 9 = 45 मीन 47 इज द आंसर, पहला एग्जाम्पल नोट किया जाए। थर्ड एग्जाम्पल बी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, कर दिए मतलब, हाँ बी एक्सरसाइज के भी एग्जाम्पल कंप्लीट कर रहे हैं, यानी 2 एक्सरसाइज आपको आज करनी होंगी, थोड़ा स्पीड पकड़िए, इस हफ्ते ही खत्म करना है सब कुछ, इसलिए प्रयास जारी रखें, समय निकालें, पढ़ाई करें, नहीं तो समझ लो फिर दिक्कत हो जाएगी, रोने के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा, समय कम है काम ज्यादा है इसलिए पढ़ाई करो, इसलिए क्या करो पढ़ाई करो, समय कम है काम ज्यादा है पढ़ाई करो, ओके बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी नोट करो, हम इंक भर रहे हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए, तब तक का समय आपको दिया जाता है, तब तक का समय आपको दिया जाता है ना, हाँ चलिए और आगे बढ़ते हैं, चलिए और आगे बढ़ते हैं, प्रयास और प्रयास और प्रयास, चलो अगला क्वेश्चन है, करें विच टर्म ऑफ द एपी इज, अब देखो यहाँ पे विच कर दिया, विच टर्म जब लिखते हैं तो हमने पढ़ाया है कि हाउ मेनी विच टर्म, वहां पर एल वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एल वाला, अभी दिखाते हैं आपको, आए सर एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, एपी पहले लिखते हैं और फिर विच टर्म की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ाया उतना अगर आपके दिमाग में पहुंच गया तो आपके पास एपी में कुछ बचा नहीं है, क्या लिखा विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी क्या है 21, 18 and 15 डॉट डॉट इज माइनस 81, कह रहे विच टर्म ऑफ एन एपी, आगे लिखा विच टर्म ऑफ एन एपी इज माइनस 21, ऐसे कुछ क्वेश्चंस लिख दिए, हम लेट कर लेंगे, लेट लास्ट टर्म इज माइनस 81, तो बताइए ए कितना है, सवाल देख करके ए मिला आपको कितना, ए कितना है 21, बी कितना है T2 माइनस T1 18 माइनस 21 यानी माइनस का 3, और एल कितना लास्ट में ये है ना, तो एल इक्वल टू माइनस 81, और जब विच शब्द आता था हमने बताया था विच टर्म हाउ मेनी, तो आपको एल वाला फॉर्मूला यूज करना है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल की वैल्यू कितनी माइनस 81, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 21 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस 15 है, चेक करो ये इधर आया, हाँ चला जाएगा सर माइनस का 102 हो जाएगा, 20 इधर 21 आएगा जुड़ेगा ना, ये भी माइनस ये भी माइनस 102 इक्वल टू कितना आ गया माइनस का एन माइनस 1 इंटू 3, ये माइनस आगे कर दिए माइनस से माइनस कट गया, तो 102 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3 के 3 को इधर भेज दिया, 102 बटे 3 बराबर कितने के एन माइनस 1 के, इसको काटेंगे 3 का 9 3 चौक 12 एन माइनस 1 के, तो एन इक्वल टू कितना आ गया 35, एन की वैल्यू कितनी आई 35, क्या लिखेंगे हेंस 35th टर्म इज माइनस 81, ऐसे आंसर लिखना पड़ेगा, उन्होंने पूछा था विच टर्म, तो आपको लिखना पड़ेगा 35th टर्म इज माइनस 81, ऐसे करके आंसर भी लिखना होगा, आया समझ में, हाँ आ गया सर कोई दिक्कत नहीं, आया सर आगे क्या लिखा है, आल्सो इज एनी टर्म इज जीरो, और इसी ने एक और क्वेश्चन भी जोड़ दिया उसे, ये तो पूछ रहा है विच टर्म, इसी आगे और पूछा है आल्सो
एनी टर्म इज जीरो, गिव रीजन टू योर आंसर। अब इन्होंने इसी में दूसरा क्वेश्चन, अब इसको हटा देते हैं। अब अगर हम ये पूछें कि क्या इस सीरीज में जीरो है, अगर हम आपसे पूछें क्या इस सीरीज में जीरो है, इज जीरो इज, क्या इसमें कहीं जीरो है, क्या इसमें कहीं जीरो है, ये पूछ रहे हैं, तो हम प्रोसेस करते हैं फिर से भाई। हमने लेट कर लिया, लास्ट टर्म इज जीरो, लास्ट टर्म इस बार जीरो फिर मान लीजिए, फिर ये जीरो हो गया। यहां से शुरुआत की, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू रखी, यूट की इधर आया तो माइनस का कितना हो गया, इस बार यूट की जब इधर आएगा तो माइनस का 21, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, है ना, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 21 यहाँ भी लिखेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये इधर आ गया 220/3। एन की वैल्यू अगर इंटीजर आती है 7+1 8 आ गई, अगर एन की वैल्यू इंटीजर आएगी तो सीरीज में टर्म होगा, अगर एन की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है तो वो टर्म सीरीज में नहीं होगी। ध्यान से बात सुन लीजिए, अगर एन की वैल्यू, इन्होंने पूछा वाई, रीजन भी पूछा है, तो एन की वैल्यू कैसी आई बेटा, देखो एन की वैल्यू इंटीजर आई है, अगर इंटीजर है तो टर्म का नाम देखो, नंबर जो होता है टर्म का T1, T2, T3, मतलब T3.5 नहीं कहीं सुना है, किसी टर्म का नाम 3.5 नहीं होता है, 3.5 नहीं होगा, तो यानी अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शनल मिलेगी तो वो टर्म सीरीज में नहीं होगा, और अगर एन की वैल्यू इंटीजर मिलेगी तो वो टर्म सीरीज में होगा। तो यहाँ एन की वैल्यू कैसी आई है, इंटीजर, हेंस जीरो इज इन दिस सीरीज, हेंस जीरो इज द टर्म ऑफ दिस सीरीज, हेंस जीरो इज द टर्म ऑफ दिस सीरीज, ये आपको आंसर लिखना होगा। आया समझ में, आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, डिटरमाइन एपी हूज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। अच्छा क्वेश्चन करें, एपी पता करिए। तो एपी अगर बनानी है तो आपको दो चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। इन्होंने दिया क्या, इन्होंने थर्ड टर्म दिया, थर्ड टर्म यानी T3 कितना दे रहे हैं 5, और कौन सा टर्म नहीं और दे रहे हैं, और एक टर्म दे रहे हैं T7, करें कितना है 9 है, करें थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9, थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। जरा इससे बनाइए क्वेश्चन, इसका T3 का फॉर्मूला क्या होगा, A+3-1 × D = 5D, यानी एक इक्वेशन बन गई A+2D = 5, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे आइए T7 का फॉर्मूला A+7-1 × D, तो A प्लस कितना बन गया 6D = इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, A और D निकाल लो, क्या निकाल लो, A और D निकाल लो, तो आप सीरीज नहीं बना पाओगे, फिर तो बना लोगे। हाँ आइए सर, कैसे, ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड के नीचे फर्स्ट लिख रहा है A+2D 5, घटा दे रहे हैं माइनस 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 से घट गया, 4D = कितने के, 4 के, तो D बराबर कितना आ गया 1 के, डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दे रहे हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या वैल्यू आएगी, A+2 × 1 = 5 के, दिख रहा है A+2 = 5 के, तो A² कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये देखिए A आ गया, ये D आ गया, अब सीरीज बनानी है, हेंस एंड AP इज क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म कितना है 3 लिख दो, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 5, फिर कितना आएगा 6, एंड डॉट डॉट बन गई AP, बन गई AP, कितना आसान है, आसान है ना, हाँ AP बनाना। एक और सवाल देख लीजिए, छठा नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कह रहा है चेक करो कि वेदर 301 इज द टर्म ऑफ दिस सीरीज आर नॉट, फिर वैसे ही क्वेश्चन अभी जैसे जीरो वाला था, कह रहा है चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ 5, 11, 17, 23 एंड डॉट डॉट, कह रहे चेक करो कि इसका टर्म है नहीं, तो हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया, लेट 301 इज लास्ट टर्म ऑफ सीरीज, हमने सीरीज का इसको लास्ट टर्म मान लिया, सीरीज का इसको क्या कौन सा टर्म मान लिया, लास्ट टर्म, तो बताइए ए बराबर कितना 5, और डी बराबर कितना 11-5 = 6 के, और एल बराबर कितना 301 के, और ये फॉर्मूला लगाया L = A+(n-1)×D, एल की वैल्यू कितनी 301, ए की वैल्यू कितनी 5, एन कितना है पता करना है, डी कितना है 6, इसको इधर भेजा घटेगा ना 200 कितना बचे 96, देखो चेक करो 5 घटाएंगे 296 बचेंगे बराबर n-1 × 6 के, 6 को इधर भेज दो तो n-1 = 296/6 के, 6 से इसको काटिए जरा, 6 से इसको कटेगा, काटो जल्दी से फटाफट, ये नहीं कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे कितना आएगा 1, 4,
और आठ, 148 बटे तीन, चेक करो 148, 148 बटे तीन, एन स्क्वायर कितना आ जाएगा, 148 बटे तीन प्लस एक बराबर 151 बटे तीन, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। अब एन की वैल्यू कैसी आई है, फ्रैक्शनल, कैसी वैल्यू है, फ्रैक्शनल है। अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शनल आती है तो वो टर्म सीरीज में नहीं होता, तो क्या लिखेंगे, हेंस 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस सीरीज, ये टर्म सीरीज में नहीं है। अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शनल आती है तो टर्म सीरीज में नहीं होगा, अगर एन की वैल्यू इंटीजर आती है तो वो टर्म सीरीज में होगा, बस बात को याद रखिएगा, पकड़ लीजिए इतनी बात को, पकड़ लीजिए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पकड़ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं फिर दिक्कत होगी हमसे ना कहीं ना, सर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कुछ, है ना, हाँ चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है, ध्यान से सुनिएगा फटाफट फटाफट, अरे बहुत स्लो चलता है यार ये सिस्टम, स्क्रॉलिंग नहीं हो रहा जल्दी जल्दी, हे भगवान। अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहे हैं हाउ मेनी टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय थ्री, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय थ्री, टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं 99 तक जाते हैं, तो 10 से चेक करो, 10 3 से डिविजिबल है, नहीं 11 नहीं 12 है, तो पहला नंबर 12, दूसरा 15, लास्ट में आइए, लास्ट में 99 होता है जो 3 से डिविजिबल है, टू डिजिट नंबर। तो कह रहे हाउ मेनी, हाउ मेनी मतलब हमने बताया हाउ मेनी एन की वैल्यू निकालनी, चलिए शुरू हो जाइए, ए बराबर 12, डी बराबर 3, एल बराबर 99, एन इज क्वेश्चन मार्क, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी लगा दीजिए, 99 इज इक्वल टू कितने के 12 प्लस एन माइनस 1 इनटू 3 के, सही है, हाँ सर, इसको इधर भेजेंगे घटेगा 87, देखो दो घटाएंगे 97 बचा, 87 इक्वल टू एन माइनस 1 इनटू 3 के, इसको इधर भेज देंगे 87 अपॉन 3 इक्वल टू एन माइनस 1 के, ये कितना आएगा 29 इक्वल टू एन माइनस 1 के, तो एन इक्वल टू कितना 30, तो हाउ मेनी पूछे, तो देयर आर 30 टर्म विच आर डिविजिबल बाय 3, तो देयर आर 30 टर्म विच आर डिविजिबल बाय 3, देयर आर टू डिजिट 30 टर्म, देयर आर 30 टू डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, कर लेंगे सर, इजी था कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लिखा है फाइंड आउट द 11th टर्म ऑफ 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 11th निकालना, जरा सुन लेना जरा, लास्ट से जब बात करें तो फर्स्ट टर्म का काम एल करेगा और कॉमन डिफरेंस जो पॉजिटिव होगा निगेटिव चलेगा, जरा देखिए सीरीज हमारी क्या है, 10, 7, 4 एंड डॉट डॉट माइनस 62, करें लास्ट से कौन सा 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, ध्यान दीजिए इसके फॉर्मूला होता है एल प्लस एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये चलता है, फर्स्ट टर्म की जगह एल आ गया और कॉमन डिफरेंस निगेटिव हो गया, चलिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कौन है माइनस 62 है, एन कौन सा निकालना है 11th एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, टी टू माइनस टी वन करो, डी की वैल्यू बताओ टी टू माइनस टी वन माइनस की 3 आ रही है माइनस 3, कैलकुलेशन करो माइनस 62 ये माइनस का 10 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 बनेगा, घटा देंगे कितना है 32, तो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज माइनस 32, तो 11th टर्म पूछे तो आप अपने फॉर्मूले को ऐसे बदल लीजिएगा बस, और कुछ मत करिएगा, सब काम हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया भर के सिस्टम में ना पढ़िए, अपने आप सवाल को लगाने का प्रयत्न करिए, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अभी कोई पता नहीं कितना लंबा झांका करके बताओ कितनी देर में निकाला आपने, 2 मिनट में निकाल के रख लिए, किताब वालों तो और दिमाग का दही करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं जब लास्ट से टर्म निकालें तो आपके लिए फॉर्मूला आप ये चलाइएगा, तब टी एन का फॉर्मूला ये चलाइएगा, एल प्लस एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला चलाया करिए जब लास्ट से टर्म निकालें, कहीं लास्ट से लिख लीजिएगा कहीं, आगे बढ़िए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कह रहे हैं फ्लावर बेड, ए फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, एक फ्लावर बेड बना है, 10वां नंबर एग्जाम्पल है, पहली रो में कितने 23, फिर 21, फिर 19 एंड डॉट डॉट इन द थर्ड सो ऑन, और देर आर 5 रोज, कितनी रोज है, देर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, और लास्ट रो में कितने रोज रखे 5,
तो पूछ रहे हैं हाउ मेनी रोज आर देयर, कितनी रोज बनाए, ये पहली रो में इतने रखे, दूसरी में इतने रखे, तीसरी में इतने रखे, तो आखिरी में पांच रखे, तो हाउ मेनी रोज, हमने कहा एन रोज, लेट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज आर ओ डब्ल्यू एस वाले की बात कर रहे हैं, रोज नहीं बोल रहे हैं, ए इक्वल टू 20, 31 जो भी है, डी इक्वल टू माइनस का 2, टी टू माइनस टी1 करो, एल इक्वल टू 5 के फॉर्मूला लगाओ, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, कितना आएगा 5 बराबर 23, एन माइनस 1 इनटू डी की वैल्यू कितनी 5, डी की वैल्यू 5 कहां आया, डी की वैल्यू माइनस 2 है, गड़बड़ लिख रहे हैं, ये उठा के इधर भेजेंगे, माइनस का कितना बचेगा 18, माइनस 18 माइनस एन माइनस 1 इनटू 2, ये माइनस आगे कर दिए, 9 बराबर कितने के, एन माइनस 1 के, एन इक्वल टू 10, हाउ मेनी रोज आर देयर, तो देयर आर कितनी रोज, 10 रोज इन फ्लावर बेड, इन फ्लावर बेड, फ्लावर बेड समझते ना, कहीं देखते हैं जब जाते हैं तो फ्लावर बना के रख देते हैं, तो ठीक है, तो आप 5.2 के पूरे सवाल पूरे एग्जांपल करने का प्रयास करिएगा, 5.2 तक कंप्लीट करने का प्रयत्न करिएगा, हम 5.2 के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एग्जांपल तक कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी है, ओके थैंक यू।